ओम शांति। स्पार्क ऑडियो सहज योग बुक सीरीज का टॉपिक है अभ्यास, पार्ट 9, अव्यक्त वाणी, 12 दिसंबर 1998। बीच में समय प्रति समय 1 सेकंड चाहे कोई बैठा भी हो, बात भी कर रहा हो, लेकिन 1 सेकंड उनको भी ड्रिल करा सकते हैं और स्वयं भी अभ्यास कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। 2-4 सेकंड भी निकालना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलेगी। नहीं तो क्या होता है, सारा दिन बुद्धि चलती रहती है ना, तो विदेही बनने में टाइम लग जाता है और बीच बीच में अभ्यास होगा तो जब चाहें उसी समय हो जाएंगे, क्योंकि अंत में सब अचानक होना है। तो अचानक के पेपर में यह विदेहीपन का अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसलिए जितना जो बिजी है उतना ही उसको बीच बीच में यह अभ्यास करना जरूरी है। फिर सेवा में जो कभी कभी थकावट होती है, कभी कुछ ना कुछ आपस में हलचल हो जाती है, वह नहीं होगा। अभ्यासी होंगे ना, 1 सेकंड में न्यारे होने का अभ्यास होगा तो कोई भी बात हुई 1 सेकंड में अपने अभ्यास से इन बातों से दूर हो जाएंगे। सोचा और हुआ। लास्ट घड़ी भी युद्ध में ही जाएगी अगर विदेही बनने का 2 सेकंड में अभ्यास नहीं है तो। और जिस बात में कमजोर होंगे, चाहे स्वभाव में, चाहे संबंध में आने में, चाहे संकल्प शक्ति में, वृत्ति में, वायुमंडल के प्रभाव में, जिस बात में कमजोर होंगे उसी रूप में जानबूझकर भी माया लास्ट पेपर लेगी। इसलिए विदेही बनने का अभ्यास बहुत जरूरी है। अव्यक्त वाणी, 1 मार्च 1999। अगर समय आने पर दृढ़ संकल्प किया तो वह बहुत काल हुआ या अल्पकाल हुआ, किसमें गिनती होगी? अल्पकाल में होगा ना, तो अविनाशी बाप से वर्षा क्या लिया अल्पकाल का? यह अच्छा लगता है, नहीं लगता है ना, तो बहुत काल का अभ्यास चाहिए। कितना काल है वह नहीं सोचो, जितना बहुत काल का अभ्यास होगा उतना अंत में भी धोखा नहीं खाएंगे। बहुत काल का अभ्यास नहीं तो अभी के बहुत काल के सुख बहुत काल की श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव से भी वंचित हो जाते हैं। इसलिए क्या करना है? बहुत काल करना है। अगर किसी के भी बुद्धि में डेट का इंतजार हो तो इंतजार नहीं करना, इंतजाम करो। बहुत काल का इंतजाम करो। अव्यक्त वाणी, 15 मार्च 1999। 3 मास का अभ्यास सदा काल का अनुभवी बना देगा अगर अपने उमंग उत्साह से किया तो। मजबूरी से किया, 3 मास पास करने हैं, फिर तो सदा काल का नहीं होगा। लेकिन उमंग उत्साह से किया तो सदा काल के लिए अनादि अविनाशी संस्कार इमर्ज हो जाएंगे। अव्यक्त वाणी, 10 मई 1999। अभी बच्चों में अचल, अडोल,
एकर स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बहुत चाहिए। भय तो थोड़े बच्चों में रहा, लेकिन व्यर्थ संकल्प चलना कि क्या होगा, कुछ होगा वा नहीं होगा, ये हो जाए तो क्या करेंगे, ऐसे व्यर्थ संकल्प भी पावरफुल याद में रहने नहीं देते। अभी अभी याद, अभी अभी व्यर्थ संकल्प का खेल चलता रहता है। ये ही बाप दादा देख रहे थे। बाप दादा तो सदा बच्चों के भिन्न भिन्न खेल देख मुस्कुराते रहते। अव्यक्त वाणी 23 अक्टूबर 1999। जैसे एक सेकंड में साधन यूज करते हो, ऐसे ही बीच बीच में कुछ समय साधना के लिए भी निकालो, सेकंड भी निकालो। अभी साधन पर हाथ है और अभी अभी एक सेकंड साधना, बीच बीच में अभ्यास करो। जैसे साधनों में जितनी प्रैक्टिस करते हो तो ऑटोमेटिक चलता रहता है ना, ऐसे एक सेकंड में साधना का भी अभ्यास हो। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 1999। अभी यह अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि अंत के समय यह अभ्यास बहुत काम में आएगा। जैसे इस शरीर के ऑर्गन्स को, बाह है, पांव है, इनको सेकंड में जहां लेकर जाने चाहो वहां ले जा सकते हो ना, ऐसे मन और बुद्धि को भी मेरी कहते हो ना। जब मन के मालिक हो, यह सूक्ष्म ऑर्गन्स हैं, तो इसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं, संस्कार के ऊपर भी कंट्रोल होना चाहिए। जब चाहो, जैसे चाहो, जब यह अभ्यास पक्का होगा तब समझो पास विद ऑनर होंगे। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2000। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन है मन बुद्धि की एकाग्रता। यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता। अव्यक्त वाणी 15 फरवरी 2000। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि, जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं, सोच के देखो, मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है, 2 सेकंड, जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है, 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही यह अभ्यास करो, कुछ भी हो,
क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 2000। अभी यह अभ्यास करना, कहाँ भी हो 5 सेकंड में मन को घुमाओ, चक्कर लगाओ। चक्कर लगाना तो अच्छा लगता है ना? टीचर्स ठीक है ना? राउंड लगाना आएगा ना? बस राउंड लगाओ, फिर कर्म में लग जाओ। हर घंटे में राउंड लगाया, फिर काम में लग जाओ, क्योंकि काम को तो छोड़ नहीं सकते हैं ना। ड्यूटी तो बजानी है, लेकिन 5 सेकंड मिनट भी नहीं, सेकंड नहीं निकल सकता है। निकल सकता है, यूएन की ऑफिस में निकल सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकता? अव्यक्त संदेश 10 मई 1997। बाबा ने तो पहले से ही बता दिया है कि आश्चर्यवत बातें होंगी, लेकिन बच्चों को आश्चर्य व क्वेश्चन मार्क ना लगाए सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास पक्का करना है। ये तो विश्व परिवर्तन का सूचक है। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 2001। सबसे पहला अभ्यास स्वराज्य अधिकार सारे दिन में कहाँ तक कार्य में लगता है? मैं तो हूँ ही आत्मा मालिक, यह नहीं। मालिक होके ऑर्डर करो और चेक करो कि हर कर्मेंद्रियाँ मुझ राजा के लव और लॉ में चलते हैं। ऑर्डर करें मन मना भव और मन जाए नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स में। क्या यह लव और लॉ रहा? ऑर्डर करें मधुरता स्वरूप बनना है और समस्या अनुसार परिस्थिति अनुसार क्रोध का महारूप नहीं, लेकिन सूक्ष्म रूप में भी आवेश व चिड़चिड़ापन आ रहा है। क्या यह ऑर्डर है? ऑर्डर में हुआ। अव्यक्तवाणी 28 जनवरी 2001। बाप दादा बार बार बच्चों को कहते हैं कि सदा अंगद मिसल अचल अडोल एकर स्थिति में स्थित रहो। यह सब साइड सीन्स हैं, उसको साक्षी होकर देखते चलो। अशरीरी होकर उड़ते चलो समय अनुसार। अभी तो बच्चों को स्वचिंतन स्वमान स्वस्वरूप में ही रहना है। स्व को डबल लाइट बनाए उड़ते रहो। विशेष अब अशरीरी स्टेज में रहने का अभ्यास अति आवश्यक है। अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 2001। अब अभ्यास करो जो शक्तियां समाई हुई हैं उसको समय पर यूज करो। जैसे इन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते होना, हाथ को पांव को चलाते होना, ऐसे हर शक्ति को ऑर्डर से चलाओ, कार्य में लगाओ। समा के रखते हो
कार्य में कम लगाते हो। समय पर कार्य में लगाने से शक्ति अपना कार्य जरूर करेगी। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2002 जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन तीन शब्दों में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरअहंकारी। इन तीन शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरअहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ, सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो, ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूँ। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है, कर्मेंद्रियाँ करनहार हैं, आत्मा करावनहार है। तो निराकारी आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 2001 लिविंग वैल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना। अव्यक्त वाणी 3 फरवरी 2002 यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही एक सेकंड में साक्षी दृष्टा बन समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को एक तोहफा समझ उसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, यह क्यों हुआ, यह कैसे हुआ, हो गया, फुल स्टॉप और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी, आप ऊंची स्टेज से समस्या को साइड सीन देखते रहेंगे। अव्यक्त वाणी 5 जुलाई 2001 बाबा जानते हैं कि बच्चे बाप से प्यार होने के कारण संकल्प बहुत अच्छे करते हैं। इसके लिए बाप दादा दिल से ऐसे बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, फिर भी लास्ट समय पास विद ऑनर बनने के लिए सेकंड में पास्ट इज पास्ट और प्रेजेंट बहुत खुश नसीब डबल लाइट अनुभव करें, तब ही पास विद ऑनर विजयी बन सकते हैं। इसलिए बाप दादा बच्चों को अब जल्दी से जल्दी ऐसे शक्तिशाली स्वरूप में देखने चाहते हैं। यह अभ्यास बहुत काल से चाहिए, ना कि अंत में हो जाएगा। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 2002 कर्म और योग बैठते भी
और चलते फिरते भी साथ हो। लेकिन बच्चों को अब तक वाणी की शक्ति का अभ्यास और रुचि ज्यादा है। मनसा और वाणी दोनों साथ साथ रहें, यह अभ्यास बहुत कम है। इसलिए सेवा में ही संस्कारों का विघ्न ज्यादा आता है। बाप दादा तो यही चाहते हैं कि अब एक ही समय मनसा शक्ति द्वारा अनुभूति कराने का अनुभव और वाणी की शक्ति द्वारा संदेश देने का कर्तव्य दोनों का बैलेंस हो। अभी तक इसमें कमी है, इसलिए जब तक दोनों साथ साथ का अभ्यास कम है तो योग भट्टी के प्रोग्राम्स होते भी मन बुद्धि फ्री है तो और ही व्यर्थ संकल्प बोल चाल में मन ज्यादा चाहेगा। इसलिए सेवा के प्रोग्राम्स भी बनाने पड़ेंगे, लेकिन टू मच जल्दी और एक दो को देख हमारे वर्ग का भी प्रोग्राम तीन बार हो, यह रेस की भावना बदलनी चाहिए। एक प्रोग्राम के बाद एक दिन विशेष याद का रखना जरूरी है, जिसमें स्थूल कर्म करते भी याद का चार्ट अच्छा रखने का, कर्म और योग के पावरफुल अभ्यास का अटेंशन जरूरी है। सिर्फ सेवा में बिजी रहना है यह आवश्यकता नहीं है, लेकिन बैलेंस द्वारा आत्माओं को अनुभूति करानी है। इसके लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति, अपना शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति, निरसंकल्प स्टेज में बहुत ध्यान देना जरूरी है। अव्यक्त वाणी 14th नवंबर 2002। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। आत्मा भी निराकार है और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। अभी अभी एक सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाप दादा ने ड्रिल कराई, यह अभ्यास और अटेंशन चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते जाना। तो यह प्रैक्टिस मनसा सेवा करने में भी सहयोग देगी और पावरफुल योग की स्थिति में भी बहुत मदद मिलेगी। अव्यक्त वाणी 18th January 2003। आप सबको पुराने बच्चों को मालूम है कि ब्रह्मा बाप ने शुरू शुरू में क्या अभ्यास किया। एक डायरी देखी थी ना, सारी डायरी में एक ही शब्द, मैं भी आत्मा, जसोदा भी आत्मा, यह बच्चे भी आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है, यह फाउंडेशन सदा का अभ्यास किया। तो यह पहला पाठ, मैं कौन, इसका बार बार अभ्यास चाहिए, चेकिंग चाहिए, ऐसे नहीं मैं तो हूँ ही आत्मा, अनुभव करें कि मैं आत्मा करावनहार बन कर्म करा रही हूँ। करनहार अलग है, करावनहार अलग है। ब्रह्मा बाप का दूसरा अनुभव भी सुना है कि यह कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, तो रोज रात की कचहरी सुनी है ना, तो मालिक बन इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों से
हालचाल पूछा है ना, तो जैसे ब्रह्मा बाप ने यह अभ्यास फाउंडेशन बहुत पक्का किया, इसलिए जो बच्चे लास्ट में भी साथ रहे उन्होंने क्या अनुभव किया कि बाप कार्य करते भी, शरीर में होते हुए भी, अशरीरी स्थिति में चलते फिरते अनुभव होता रहा, चाहे कर्म का हिसाब भी चुट्टू करना पड़ा, लेकिन साक्षी हो ना स्वयं कर्म के हिसाब के वश रहे, ना औरों को कर्म के हिसाब किताब चुट्टू होने का अनुभव कराया। आपको मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाप अव्यक्त हो रहा है? नहीं मालूम पड़ा ना, तो इतना न्यारा साक्षी अशरीरी अर्थात कर्मातीत स्टेज बहुत काल से अभ्यास की, तब अंत में भी वही स्वरूप अनुभव हुआ। यह बहुत काल का अभ्यास काम में आता है। ऐसे नहीं सोचो कि अंत में देह भान छोड़ देंगे, नहीं, बहुत काल का अशरीरीपन का देह से न्यारा करावनहार स्थिति का अनुभव चाहिए। अंतकाल चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे तंदुरुस्त है, चाहे बीमार है, किसी का भी कभी भी आ सकता है। इसलिए बहुत काल साक्षीपन के अभ्यास पर अटेंशन दो। अव्यक्त वाणी 15 दिसंबर 2002। बाप और दादा अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप, दोनों में देह भान नहीं है, तो देह भान से परे होना है तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी एक सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अव्यक्त वाणी 24 मई 2002। समय के नज़ारों के साथ साथ सेवा के नगाड़े भी जोर शोर से बजने ही हैं। अब तो बच्चों को जैसे निरंतर योगी बनने का अभ्यास आवश्यक है, ऐसे ही निरंतर सेवाधारी भी बनना आवश्यक है। पहले तो स्वयं सदा बाप दादा समान स्वमान में स्थित होना है, साथ में सदा उमंग उत्साह में अचल अडोल अथक बन, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाणी की सेवा, चाहे चेहरे और चलन द्वारा, संबंध संपर्क द्वारा सेवा में आगे बढ़ना ही है। यही समय प्रमाण बाप दादा का इशारा है। आत्माओं को शांति की अंजलि दो, सुख की अंजलि दो। अव्यक्त वाणी 8 जनवरी 2003। बाप दादा के दिल तख्त के अधिकारी सो भविष्य राज्य अधिकारी आत्मा है, क्योंकि अब याद का आसन दोनों सिंहासन के अधिकारी स्वतः बनाते हैं। पुरुषार्थ भी सहज स्वतः तीव्र चल रहा है, इसलिए सहज सफलता प्राप्त है। मुख और मन की दोनों सेवा का फल भी प्राप्त हो रहा है। उमंग उत्साह के पंख से स्वयं के साथ औरों को भी उड़ाने का संकल्प अच्छा है। एकमत एकरस एकाग्रता की तरफ अभ्यास अच्छा है। श्रीमत की हिम्मत और रिगार्ड में
स्वयं रहे, औरों को भी श्रीमत पर चलने की विधि, सच्ची दिल, साफ दिल का महामंत्र अच्छा अनुभव कराती है। इसलिए बाप दादा कहते, मस्तक मणि है, दिल के हार का सच्चा डायमंड है। अव्यक्त वाणी 17 अक्टूबर 2003। माया जीत के नशे में बहुत उड़ रहे हैं, उड़ती कला वाले हैं। किससे भी पूछो तो कहो दिल खुश फरिश्ता है, माया का नाम ही नहीं लो, नाम सहित खत्म करो, क्योंकि कुछ समय माया जीत बन के रहने का अभ्यास जरूर करना पड़े। जो बहुत काल माया जीत रहते हैं उन्हें बहुत काल राज्य भाग्य मिलता है, इसलिए सदा माया जीत है ही माया जीत। बाप दादा की नजर है, संगठन को नजर से निहाल तो होना ही है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त वाणी 30 नवंबर 2003। जब अनुभव कर लिया कि मैं हूँ ही आत्मा, आत्मा के सिवाय और हो ही क्या, देह को तो मेरा कहते हो लेकिन मैं हूँ ही आत्मा, जब हो ही आत्मा तो देह भान कहाँ से आया, क्यों आया? कारण 63 जन्म का अभ्यास, मैं देह हूँ, उल्टा अभ्यास पक्का है, यथार्थ अभ्यास अनुभव में भूल जाता है। बाप दादा बच्चों को जब मेहनत करता देखते हैं तो बच्चों पर प्यार आता है। परमात्मा बच्चे और मेहनत, कारण अनुभव मूर्त की कमी है। जब देह भान का अनुभव कुछ भी हो जाए, कोई भी कर्म करते देह भान भूलता नहीं है, तो ब्राह्मण जीवन अर्थात कर्म योगी जीवन, योगी जीवन का अनुभव भूल कैसे सकता? अचानक कुछ भी किसी समय भी हो सकता है, इसलिए अपने स्मृति का स्विच बहुत पावरफुल बनाओ। सेकंड में स्विच ऑन और अनुभव स्वरूप बन जाओ। स्विच ढीला होता है ना, तो घड़ी घड़ी ऑन ऑफ करना पड़ता है और समय लगता है ठीक होने में, लेकिन सेकंड में स्विच ऑन स्वमान का, स्वराज्य अधिकारी का अंतर्मुखी होकर अनुभव करते जाओ, अनुभवों के सागर में समा जाओ। अनुभव की अथॉरिटी को कोई भी अथॉरिटी जीत नहीं सकती। समझा क्या करना है? बाप दादा इशारा तो दे देता है लेकिन इंतजार नहीं करो। कब 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 नहीं, अब, एवर रेडी। सेकंड में स्मृति का स्विच ऑन कर सकते हो, कर सकते हो। कैसे भी सर्कमस्टांस हो, कैसी भी समस्या हो, स्मृति का स्विच ऑन करो। यह अभ्यास करो क्योंकि फाइनल पेपर सेकंड का ही होना है, मिनट भी नहीं। सोचने वाला नहीं पास कर सकेगा, अनुभव वाला पास हो जाएगा। तो अभी सेकंड में सभी, मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इस स्मृति के स्विच को ऑन करो और कोई भी स्मृति नहीं हो। अव्यक्त वाणी 5 मार्च 2004। आज खुशखबरी सुनी थी,
कि सबको दृष्टि लेनी है। अच्छी बात है, बाप दादा तो बच्चों के आज्ञाकारी हैं, लेकिन सुनकर हंसते हैं। भले हंसो, दृष्टि के लिए कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि बदलती है। तो आज की दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करना ही है, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई हैं, उसका बहुत समय से अभ्यास चाहिए। ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता भी बहुत समय से चाहिए। तो ठीक है, डबल फॉरनर्स खुश हैं। अच्छा, ओम शांति।